बरेली में आज चौथे दिन लेखपालों और अधिवक्ताओं के विवाद में तहसील परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। लेखपाल जहां नाम ज्ञात वकीलों की गिरफ्तारी की मांग पर डटे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तिलोई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह के साथ एक जत्था जिले के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम केवल शुक्ला के साथ अमेठी जिले के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंप कर मांग किया कि हम लोगों की प्राथमिक दर्ज करवा कर शामिल लेखपालों तथा तहसीलदार सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाए तथा घायल वकीलों को 1,00,000 रुपया दवा आदि के लिए दिया जाए। लेखपाल संघ तिलोई के समर्थन में उतरा जिला संगठन। अमेठी जिले का एक जत्था आज तिलोई तहसील में धरने पर बैठे लेखपाल संघ के अध्यक्ष अनूप सिंह और महामंत्री कामता प्रसाद से मिलकर वार्ता किया और मामले की हकीकत को जानना तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी महात्मा सिंह तथा तहसीलदार के साथ सगा अमीनों के साथ वार्तालाप भी किया। जिले के लेखपाल संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा, जब तक घटना में शामिल वकीलों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मेरा लेखपाल कोई कार्य नहीं करेगा। इस मौके पर अमेठी जिले के जिला महामंत्री राकेश कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। अमेठी उत्तर प्रदेश से हमारे जिला संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। नहीं अभी भी चले रहे किसानों से 10-20-30-40 लगा के रखो सेंटर पे, ताकि सेंटर वाला को सांस ना लेने पाए। धान खरीद से साला बचेगा कैसे, जब ताली नहीं होगी तो गड़बड़ करेगा। ताली 10 खड़ी रहनी चाहिए सेंटर पे।